हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरबीआई स्टूडियो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द किंग एटर्नल मोनार्च, जो कि एक बहुत ही शानदार रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है। और इसका एनिमे अपने हीरो हीरोइन दोनों ही अलग अलग दुनिया को बिलोंग करते हैं। जहाँ अपनी हीरोइन रहती है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, तो अपना हीरो बिलोंग करता है एक पैरेलल दुनिया किंगडम ऑफ कोरिया से, जहाँ अभी भी राजा महाराजाओं का राज चलता है। हालांकि इन दोनों दुनिया की टेक्नोलॉजी काफी हद तक सेम है। तो एपिसोड 1 की शुरुआत रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक क्रिमिनल लीलिम को दिखाते हुए होती है, जो कि पुलिस की कस्टडी में है। हमारी हीरोइन तेयुल एक पुलिस ऑफिसर है और लीलिम से सवाल जवाब करने आती है। वो देखती है कि डॉक्यूमेंट के मुताबिक लीलिम की उम्र 70 साल होनी चाहिए थी, लेकिन दिखने में तो वो तकरीबन 40 साल का जवान लग रहा था। और जब उससे इस बारे में पूछा जाता है कि ये कैसे मुमकिन है, तो वो एक जादुई बांसुरी और एक दूसरी दुनिया किंगडम ऑफ कोरिया की कहानी सुनाने लग जाता है। वो बताता है कि सालों पहले ड्रैगन किंग ने तोहफे के तौर पर किंगडम ऑफ कोरिया के राजा को एक जादुई बांसुरी दी थी जिसमें असीम शक्तियां थी, जिसके बजाने से दुश्मन भाग जाते, बंदर में बारिश होने लगती, हवाएं थम जाती, और जिसके पास भी ये बांसुरी होती वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता था और अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड में भी जा सकता है। और फिर लीलिम की स्टोरी शुरू होती है 1994 में किंगडम ऑफ कोरिया को दिखाते हुए, वही दूसरी दुनिया जहाँ का लीलिम निवासी है। और 1994 में लीलिम ने उस जादुई बांसुरी को हासिल करने के लिए अपने ही सौतेले भाई का कत्ल कर दिया था, जो कि उस वक्त किंगडम ऑफ कोरिया का राजा था। लीलिम ने उस बांसुरी को हासिल कर ही लिया था कि तभी उसका भतीजा यानी कि राजकुमार लीगोन आ जाता है। अपने पिता को मरा पाकर लीगोन ने बड़ी मुश्किल से एक तलवार उठाई और लीलिम पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बांसुरी दो हिस्सों में टूट गई। तो लीलिम बांसुरी के टुकड़े से ही लीगोन के गर्दन पर वार करता है। वह लीगोन को मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक कैप पहने हुआ एक मास्क मैन वहां आ जाता है, जो लीलिम के सभी सोल्जर्स पर गोली चलाने लग जाता है और अकेला ही इन सब का सामना करता है। और अब इस गोलीबारी की आवाज सुनकर राजा के रॉयल गार्ड्स भी इस तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर लीलिम बांसुरी का एक हिस्सा लेकर ही यहां से भाग निकलता है। वहीं पर हम देखते हैं कि बांसुरी का दूसरा हिस्सा लीगोन के पास होता है। लीगोन जमीन पर जख्मी पड़ा था, तभी वो मास्क मैन उसे चेक करने आता है। लीगोन उसका चेहरा तो नहीं देख पाता, पर उस मास्क मैन के पास से एक आईडी कार्ड लीगोन के हाथ में रह जाता है और वो मास्क मैन वहां से चला जाता है। उधर लीलिम अपनी जान बचाते हुए एक बैम्बू फॉरेस्ट में चला आता है, जहां उसके हाथ में बांसुरी का एक हिस्सा होने की वजह से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है और इसके अंदर जाते ही वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर्स और बैनर्स को देखकर उसे पता चलता है कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और ये देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है। वो ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वह अपने सौतेले भाई राजा के हमशक्ल से टकराता है, जिसे वह अपनी दुनिया में अभी अभी मार कर आया है। और इस दुनिया में भी लीलिम उसका भाई है। इसे देखकर राजा का हमशक्ल हैरान होता है, क्योंकि इस दुनिया का लीलिम बचपन से ही अपाहिज होता है। और ये सब देखकर लीलिम समझ जाता है कि ये वही दूसरी दुनिया है जिस बारे में उसने इस बांसुरी के बारे में पढ़ते हुए सुना था। तो लीलिम राजा के हमशक्ल से उसके घर ले जाने के लिए कहता है। वहां पहुंचकर पहले तो वह राजा के हमशक्ल को मारता है और फिर अपने अपाहिज हमशक्ल को भी मार देता है। तभी वहां पर इस दुनिया का लीगोन आ जाता है, जो उसे ये सब करते हुए देख लेता है। तो लीलिम उसे भी नहीं बख्शता और उसे भी मार देता है। अब ये सब देखकर लीलिम समझ जाता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में भी किंगडम ऑफ कोरिया के सभी लोगों के हमशक्ल मौजूद हैं, बस यहाँ पर उनकी जिंदगियां अलग हैं। उधर किंगडम ऑफ कोरिया में राजा की डेथ सेरेमनी शुरू होती है, जहां 8 साल की उम्र में ही अगला राजा बनने के बाद लीगोन अपने पिताजी की डेथ सेरेमनी का रिचुअल पूरा करता है। अब क्योंकि राजा को उनके सौतेले भाई नहीं मारा था, इसलिए रॉयल कोर्ट ने राजा के सारे चचेरे भाई और फैमिली मेंबर्स को देश निकाला दे दिया। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लीलिम बांसुरी की पावर को समझ चुका था, इसलिए वो अपने हमशक्ल की डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया में जाकर समुद्र के किनारे फेंक देता है, जिससे किंगडम ऑफ कोरिया के लोगों को बिलीव हो जाता है कि लीलिम मर चुका है। और उधर 8 साल का छोटा राजा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी होता है। तभी उसकी मुलाकात नन्हे जोयाम से हुई, जो उसे थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए वहां पर आता है। वह हर जगह लीगोन के पीछे पीछे ही जाता है, तो लीगोन चिड़चिड़ाकर उससे पूछता है कि तुम बार बार अंदर कैसे आ जाते हो, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें महल में आने कौन देता है। जोयाम कहता है कि तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के दोस्त थे। अब लीगोन सारे रिचुअल्स को पूरा कर लेता है और अपने पिता की याद में बहुत ज्यादा रोता है, क्योंकि अब वो बहुत अकेला हो चुका था। तो कोर्ट लेडी, जिसे वह दाई माँ कहकर पुकारता था, उसे संभालने की कोशिश करती हैं। तभी वहाँ पर जोयोंग भी हमेशा की तरह उसके पीछे आ जाता है और लीगोन को रोता हुआ देखकर ये भी बैठकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। उसे देख लीगोन एक तलवार लेकर आता है और कहता है कि आज से तुम मेरी अटूट तलवार हो, इसलिए रोना बंद करो। जोयोंग चुप हो जाता है और यहीं से इनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। इधर समंदर किनारे से लीलिम की जो डेड बॉडी मिली थी, उसका पोस्टमार्टम राजकुमार बोयांग करते हैं, जो कि लीगोन के पिताजी के चचेरे भाई थे।
और राजा के परिवार से सिर्फ उन्हें ही किंगडम ऑफ कोरिया में रहने की इजाजत थी। वो लिलिम की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम से समझ गए थे कि ये लिलिम की बॉडी नहीं है, पर अभी सिचुएशन को संभालने के लिए उन्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा कि यही गद्दार लिलिम की बॉडी है और उसकी मौत गार्ड्स की गोली लगने से हुई है। और इसकी सच्चाई के बारे में वो कोर्ट लेडी यानी कि दाई माँ को भी बता देता है। उधर लिलिम बिंदास दोनों दुनिया में ट्रेवल कर रहा था, जहाँ वो किंगडम ऑफ कोरिया के अपने सभी साथी सोल्जर्स को दूसरी दुनिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ले आता है। अब हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और ये है साल 2019, जहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में लीगॉन घुड़सवारी पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। वहीं जो योंग राजा के रॉयल गार्ड्स का कैप्टन बन गया था। हॉर्स राइडिंग के लिए जाने से पहले लीगॉन अपने रूम की ओर जाता है, जहाँ पर कोर्ट लेडी जिन्हें लीगॉन दाइमा कहकर बुलाता है, वो लीगॉन के रूम में कुछ टैरो कार्ड्स छुपा कर रख रही थी कि वो सेफ रहे और उसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले। लेकिन लीगॉन उन्हें ये सब छुपाते हुए देख लेता है और वो ये सारे कार्ड निकाल कर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि दाइमा, मैंने आपको बताया है ना कि मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे कमरे में आपसे ये टोटका करना बंद करो। ये बोलकर वो अपनी घुड़सवारी करने चला जाता है, पर दाइमा दोबारा से वो टैरो कार्ड्स लीगॉन के रूम में छुपा देती है। अब घुड़सवारी करने के बाद प्राइम मिनिस्टर को लीगॉन से मिलने आती है, जहां वो हर हफ्ते लीगॉन को रिपोर्ट देने के लिए आती है और वो उसे कुछ ज्यादा ही चिपकती है, जिससे प्रेस वाले उनके साथ में फोटोज खींच लेते हैं, जिससे पब्लिक में इन दोनों के रिलेशन को लेकर गॉसिप चलती रहती है। इधर दाइमा लीगॉन की शादी कराने के पीछे ही पड़ी रहती है, पर लीगॉन का हमेशा एक ही जवाब रहता है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है। अब इसके बाद लीगॉन एक बोट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहां बहुत सारे लोग इस कंपटीशन को देखने आए थे। लेकिन तभी उस भीड़ में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जो एक रैबिट चूड़ी पहने हुई थी और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। लीगॉन इस कंपटीशन को जीत जाता है और वो अपनी टीम के साथ जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी उन गुंडों में से एक हवा में गोली चला देता है, जिसे सब लोग डरकर जमीन पर बैठ जाते हैं। तो ये गुंडा उस लड़की को बाहर आने के लिए कहता है। इतने में तो लीगॉन के सारे गार्ड्स उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं और उन गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं। जो योंग लीगॉन को प्रोटेक्ट कर रहा था कि तभी लीगॉन उस रैबिट हुडी वाली लड़की को देखता है, जो मौका देखकर भागने लग जाती है। तो लीगॉन उसके पीछे भागने लग जाता है और काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन फिर एक जगह पर आकर उसे मिस कर देता है। अब कुछ ही देर बाद उसे ढूंढता हुआ जो योंग भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसके अचानक यहाँ आने के बारे में पूछता है। तो लीगॉन कहता है कि मैंने उस हुडी वाले पर्सन को देखा। जो योंग को कुछ समझ नहीं आता तो पैलेस में आने के बाद उससे अच्छे से पूछता है कि आखिर वो कौन था जिसके पीछे आप इतनी दूर भागे। तो लीगॉन कहता है कि उस हुडी पहने मिस्टीरियस पर्सन को भागता हुआ देखकर मुझे लगा कि वो वही पर्सन था जिसने मुझे 25 साल पहले बचाया था। लीगॉन आज तक उस मिस्टीरियस मास्क मैन को ढूंढ रहा था जिसने उसे बचाया था। लीगॉन एक बुक निकालता है जिसके अंदर वो आईडी कार्ड होता है, जो 25 साल पहले उस मिस्टीरियस मास्क मैन के पास से लीगॉन को मिला था। और ये आईडी कार्ड था पुलिस स्टेशन के लेफ्टिनेंट तेयुल का, जो कि कहानी की फीमेल लीड है। लीगॉन आईडी कार्ड को ध्यान से देखता है, जिसकी इशू डेट 11 नवंबर 2019 की है। फिर लीगॉन आज की डेट चेक करता है, जो थी 10 सितंबर 2019। इसलिए उसे आज तक समझ नहीं आया था कि ये आईडी कार्ड 11 नवंबर 2019 में कैसे इशू हो सकता है, जो डेट अभी तक आई ही नहीं। इधर हम दूसरी दुनिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेयुल को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर गुंडों को पकड़ती है और अपने डिटेक्टिव फ्रेंड सिंजे के साथ मिलकर एक मर्डर केस की छानबीन भी शुरू करती है। इधर लीगॉन को दोबारा से वो रैबिट हुडी वाला पर्सन दिखाई देता है, तो लीगॉन अपने घोड़े में चढ़कर उसके पीछे जाने लगता है और इसका पीछा करते हुए वो उसी बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। यहाँ लीगॉन के पास भी उसी जादुई बांसुरी का दूसरा टुकड़ा होने की वजह से एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है और इसके अंदर जाते ही लीगॉन भी दूसरी दुनिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहुंच जाता है। और इस पोर्टल के खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम कुछ देर के लिए रुक जाता है, जो इस वक्त रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मौजूद लीलिम को महसूस होता है। वहाँ सिग्नल पर तेयुल भी होती है और तभी वो अपने कार के साइड से घोड़े पर लीगॉन को जाता हुआ देखती है। एक शानदार घोड़े पर एक रॉयल इंसान को देखकर सभी लोग हैरान ही रह जाते हैं। तेयुल उसे किसी नौटंकी का एक्टर समझकर उसे रास्ते से हटने के लिए कहती है, पर लीगॉन को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो वो अपनी कार के ऊपर पुलिस वाली सायरन लगाती है और अपनी कार लेकर उसके सामने चली जाती है और फिर उसे अपना घोड़ा लेकर रास्ते से हटने के लिए कहती है। यहाँ लीगॉन तो तेयुल को देखकर एकदम हैरान रह जाता है। वो घोड़े से उतरकर उसके पास आता है और उसके गले में टंगी आईडी कार्ड को देखता है और फिर उसे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इससे पहले कि वह उससे कुछ पूछती, लीगॉन तेयुल को गले लगा लेता है। इससे तो तेयुल भी शॉक्ड रह जाती है। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, कहानी आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
दोस्तों, क्या आप भी पीपीटी स्लाइड बनाने में घंटों समय बर्बाद करते हैं और समय पर काम पूरा न होने पर बॉस से डांट खानी पड़ती है? तो वूला डिजिटल आपके लिए लेकर आए हैं 12,000 से भी ज्यादा रेडी टू यूज स्लाइड टेम्पलेट्स और 10,000 से भी ज्यादा वेक्टर आइकन्स। अब किसी भी विषय पर इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन बनाइए, वह भी चंद मिनटों में। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से तुरंत डाउनलोड करें।